राधे राधे कर रहा है बेचारा, मगन है राधे राधे करने में। इस समय जो है हम तैयार हो गए हैं और तैयार होकर के जा रहे हैं एक पार्टी में। जी हाँ, वैसे बहुत लोग पूछते हैं कि रियाज को आप रात में क्या खिलाते हो, ये जो है ना वो बहुत अच्छी चीज है, हर सुहागन की जरूरत की चीजें हैं और इसके बिना सब कुछ अधूरा है। वाह वाह वाह। क्या कर रहा है क्रियाज तुम? देख रहे हैं ना? देखो क्या हंस रहा है तुमको। घूमने लगा है तुमको। तेरी क्या है अंदर में? घिरनी। बाप रे बाप। राधे राधे कर रहा है बेचारा, मगन है राधे राधे करने में। हाँ क्रिया, हाँ हाँ, राधे 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 राधे। चलो चलो चलो। कुछ नहीं देगा क्रिया, झूठ का बुलाया तुम दोनों को। कौन है क्रिया? 1 hour later। अभी बज रहे हैं जी रात के 8:30 और इस समय जो है हम तैयार हो गए हैं और तैयार होकर के जा रहे हैं एक पार्टी में। जी हाँ, अपनी कॉलोनी में है एक पार्टी है शादी की, तो वहीं पर चल रहे हैं और अपने कुछ दोस्त भी आएंगे और मम्मी पापा भी धीरे धीरे वहाँ पर चलेंगे। तो चलते हैं। 2 hours later। तो यहाँ के रियाज को देख सकते हैं, इसको ले गया उधर सटाया, फिर चढ़ गया ऊपर। बहुत ध्यान से चढ़ता है और तरफ से तो पूरा सावधानी बरतता है ये, लेकिन कहीं थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो बस दिक्कत हो जाता है। जैसे देखिए ये छेद में पैर डालेगा और ये फिर खिसक जाएगा उधर, गिरेगा धराम। बगल में अभी है। क्रियांश को कहते हैं ना, क्रियांश को एक सेकंड कोई छोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल जी। और अगर ये 2 घंटा किसी के पास रह गया तो उसको अच्छी वाली नींद आएगी। देखो कितना आराम से उतरता है वो। यहाँ पे क्रियांश जो है खेल रहा है, खाना खा के अपना खाना पचा रहा है। खाना खा के खाना पचा रहा है। ले लाग तरह क्या कर रहा है जी? पकड़ो 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 पकड़ो। तो भाई साहब अभी अभी कुछ देर पहले देखा हमने न्यूज, मार्केट क्रैश हुआ है स्टॉक मार्केट, और अपना जो पोर्टफोलियो था जिसमें जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा, अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाउन हो गया है। मेरा रिटर्न जो था वह था 13% और अब देख रहा हूँ कि वह पहुंच चुका है 7% तक। तो कुछ ऐसा हालत है हमारा पोर्टफोलियो का। आप में से भी जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या हो सकता है आपके हस्बैंड इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई रिलेटिव, उनसे पूछिएगा कि उनके पोर्टफोलियो का क्या हाल है। सबका डाउन हुआ है, लेकिन सोना का दाम बढ़ गया होगा। नहीं हाँ, सोना और चांदी इसका बढ़ा होगा। जब ये स्टॉक मार्केट गिरता है देखते हैं इन दोनों का दाम बढ़ जाता है। कोई बात नहीं जी, सही बात कर रही है जिया कि ऐसे ही चलता रहता है। यह सब तो खेल है, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, बस कुछ देर के लिए होता है ना जी। जिसमें अपने अपना पैसा निवेश कर रखा है और उसका जो फ्लक्चुएशन होता है ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता है। बगल में भोज था। अच्छा, तो पड़ोसी है तो उसके नाते तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, हम भी खा के आए हैं क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और दूर दूर में नहीं भी जा पाते हैं, लेकिन पड़ोस में जाना ही पड़ता है क्योंकि लगता है जो कि हम नहीं जाएंगे तो मेरे यहाँ कौन आएगा। सही बात है। तुम्हारे यहाँ अगर किसी तरह की समस्या होगी तो सबसे पहले तुम्हारा पड़ोसी आएगा। बिल्कुल। रिश्तेदार हमारे जो भी है या परिवार के लोग सभी दूर रहते हैं, तो हवाई जहाज से भी आएंगे तो 2-3 घंटा लगेगा। सही बात है। इसीलिए तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे मिलजुल के रहें और एक दूसरे को समस्या आए उसमें साथ दें, और भगवान करे किसी को समस्या आए ही। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मेरे पोता क्रियांश का बात है, तो हम लोग दिन भर कितनी भी उसके बारे में बात करें तो वह बात खत्म हो। बिल्कुल, उसकी हरकतें ही कुछ अच्छी अच्छी रहती है। नया काम मेरा पोता करता है, दुआ कीजिए भगवान से इसी तरह वो करते रहे, करते करते बड़ा हो जाए। बिल्कुल। अभी हम लोग के आशा में था कि बाबा आएंगे तो जाएंगे, बाबा जैसे गेट खोलते हैं सीधा बगल में हमारे पड़ोसी है और मेरे हस्बैंड के कलीग हैं, मित्र समझिए, जो समझिए आमिर समझिए, सुधीर अंकल है। हाँ, तो वहाँ पहुँच जाता है, सीधा वहीं भाग गया उनके दुकान के पास। बाबा के छोटे बाबा वो है। हाँ, तो छोटे बाबा से भी कुछ न कुछ इसको दुकान में मिल जाता है, कुछ चॉकलेट और वो सब। गेट से बाहर निकलने का 2 रास्ता है, उधर ही भागता है, इधर दुकान है तो उसी साइड भागता है वो। मैंने अपने लिए बनाया ये फ्राई चावल, चावल बचा हुआ था तो इसको फ्राई करके अपने लिए बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी जब हम छोटे तो बना के खिलाती थी, उसके बाद जब यहाँ आए तो यहाँ पे भी माँ बना के खिला देती हैं कभी, तो आज हमने खुद से बनाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खाने, एकदम टेस्टी टेस्टी। 1 hour later। अभी रात के बज रहे हैं 11 और हमारे घर में देखिए क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? ये लो मारो क्रियांश, मारो मारो। गया मिस हो गया मिस हो गया। अरे फिर मिस हो गया मिस हो गया मिस हो गया, फिर मिस हो गया मिस हो गया। अरे वाह 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 वाह, ये सब चल रहा है। वैसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्रियांश को आप रात में क्या खिलाते हो, तो हम रात में क्रियांश को खिलाते हैं दूध रोटी केला। रोटी जब बनती है तो उसको दूध में, गर्म दूध में फूलने के लिए छोड़ देते हैं और केला डाल देते हैं, उसको पूरा मैश करके खिलाते हैं। खाता नहीं है उसको खिलाते हैं, पूरा दाब दूध के कैसे भी। मेरा टारगेट रहता है कि उसको खिलाना है कैसे भी, तो उसको खिलाते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं लाइव कि कैसे उसको खिलाते हैं तो किसी दिन, अगर आप लोग का ज़्यादा कमेंट रहेगा तो मैं किसी दिन आप लोग को दिखाऊंगी कैसे खिलाते हैं उसको। बहुत टफ, सबसे टफ काम है क्रियांश का तो खाना खिलाना। वो खाना खाना चाहता ही नहीं है। सोएगा कि नहीं भैया, आज आपका बेटा सोएगा कि नहीं? क्योंकि अभी भी 1 घंटा का प्रोसेस है। इसको तेल उल लगाएंगे, आँख पे लिख 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 और सब्जी जमा करेगा तब खिलेगा वो। देखिए समझदार हो गया ये तो। वाह क्रियांश, वाह क्रियांश, वाह क्रियांश। सब जमा करता है तब खेलता है। The next day। दिन के बज रहे हैं 11। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया है क्रियांश। और अभी जो है क्रियांश के खाने का समय हो चुका है। दिन में इसको चावल दाल खिलाते हैं या फिर खिचड़ी कुछ भी। और दिन भर जो सुबह उठता है तो ये दूध वगैरह पीता है, बिस्किट उस्किट खाता है जो भी होता है, या फिर फ्रूट्स थोड़ा बहुत, उतना तो कुछ खाता है ही नहीं है। और यहाँ पे पापा बेटा दोनों प्यार करते हुए क्या कर रहा है। अभी जो क्रियांश का गुस्सा था एकदम नेक्स्ट लेवल वाला। ये खाना खा रहे थे, इसको पापा चाहिए था, ये बोल रहा है पापा पापा, लेकिन ये खाना खाएंगे फिर तो उठेंगे ना। और जब तक नहीं आए, उठे जैसे ही कुर्सी उर्सी फेंक दिया, अपना माथा उठा पटक रहा था। हाँ जी, अभी जो क्रियांश गुस्सा किया था पूरा माथा सब पटकने लगा था गुस्सा है तो पापा कहीं बेटा ना। बहुत लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन जो सामने से रहता है, जैसे हमारे घर में जो रहते हैं, उनको पता है कि ये कितना गुस्सा करते हैं। बिल्कुल नहीं, झूठ बात है, झूठ बात है। कभी मैं ना रिकॉर्ड करके आप लोगों को अचानक से दिखाऊंगी। तो बेटा तो उन्हीं का है। ये देख सकते हैं, ये है क्रियांश का खाना। ये चावल डाले, इसको थोड़ा सा हमने मैश कर दिया मिक्सी में। वैसे ये खाता ही नहीं है, ये खाना खाता नहीं है, इसको खिलाया जाएगा, ठूस-ठूस के खिलाया जाएगा। क्या तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और सर्दी हुआ ना लगता है। तबीयत ठीक भी है, खराब भी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस मन कैसे कैसे कर रहा है। अभी मेरा एक पार्सल आया हुआ है, नीचे चलते हैं, लेकर के आएंगे। और क्रियांश जो है बदमाशी कर रहा है। क्रियांश नो, क्रियांश को देख सकते हैं, नाई 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 किया है। क्रियांश हाथ में क्या है दिखा दीजिए तो। क्रियांश तो आज नाई नाई किया ही नहीं। आज नाई ना ओली लॉलीपॉप लेके घूम लाए। मम्मा को दे दो, दे दो मम्मा को प्लीज। ओह क्या होता है। क्रियांश को देख सकते हैं, पापा का पैर पकड़ा हुआ है कि पापा केक दे दे। हाँ केक नहीं मिलेगा। लॉलीपॉप तो तुमने पापा से चोरी करके ले लिया, क्यों दिए उसको लॉलीपॉप, इसको सर्दी है। कोई बात नहीं, अब इसको क्या किया जाएगा। इतना रोने लग गया था कि बस केक इसलिए नहीं दे रहे, ये भी ठंडा है। खुद भी खा रहे, खुद भी सर्दी है आपको। हमको नहीं है, नहीं वो कर नाक कभी सो के उठे थोड़ा जाम है। हां बड़े आए, खाने के नाम पे कुछ नहीं होता है आपको। तो अभी आया हुआ मेरा बहुत सारा पार्सल, जिसको मैं एक-एक करके दिखाने वाली हूँ। और क्रियांश जो है बहुत ज्यादा, क्रियांश चाकू के पीछे एक्साइटेड है। जो चाकू को छिपा के रखता है। और ये जो है ना बहुत अच्छी चीज है, हर सुहागन की जरूरत की चीजें हैं और इसके बिना सब कुछ अधूरा है। अच्छा क्या है देख ले, आखिर इतना किया। अच्छा सिंदूर वाला किया है ये, वाह 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 वाह, डिजाइन तो बड़ा बेहतरीन है इसका। और ये देखिए ना, यहाँ पे लक्ष्मी जी बनी हुई है। लक्ष्मी जी, अरे वाह बहुत सुंदर है ना। तो इसको रखते हैं और दूसरा पार्सल दिखाते हैं। मेरा बेटा तो और उधर सब निकाल के फेंक, कोई बात नहीं फेंकने दो इसको। दूसरा देखो, दूसरा पार्सल जो है हमने ये एक सैंडल मंगाया हुआ था। अच्छा पहले ही खोल लिया क्रियांश इसको। बहुत प्यारा सा सैंडल है ना, वाह एकदम पार्टी सब में पहनने के लिए बड़ा अच्छा है ये, बहुत सुंदर है। दूसरा ये चूड़ा मंगाया हमने, ये खोल के दिखाना एक बार, पता नहीं चल रहा है ऊपर से। अच्छा 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 अच्छा, मरून कलर का तो साड़ी है, उन सब के ऊपर से ही लगेगा, मैचिंग रहेगा ये। और एक दो साड़ी हमने मंगवाया था, बहुत अच्छी अच्छी साड़ी। कल मैंने उसको दे दिया ब्लाउज के लिए, आएगा जब मैं तब दिखाऊंगी। बहुत सुंदर साड़ी, अभी जो मिचू की साड़ी जो वर्क वाली चली है ना, वो मैंने मंगवाई हुई है। और भी कुछ है पार्सल बचा, ये पता नहीं अभी तुरंत आया हुआ है, क्या आया है। क्रियांश चलो दिखा तो जल्दी। वाह क्या है ये? अच्छा ब्लू कलर का साड़ी है क्या? पता नहीं क्या है। आजकल का पैकेट भी अच्छा बॉर्डर डालता है ना, वो भी अच्छा लगता है। ये मरून कलर का जो है ना सूट है। अच्छा सूट है ये, ओके ओके, वाह वाह वाह। ये तो हमने परसों ही ऑर्डर किया था, तुरंत आ गया ये। वाह क्विक डिलीवरी है एकदम। और ये देखिए इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत है। वाह 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 वाह, बेहतरीन। अच्छा है। बस इतना ही है मेरे पास। वाह कम था क्या ये? और ये नंगू फंगू जो है ये इधर आ रहा है, जान रहे खिड़की की तरफ ही जाने का प्लान है, लेकिन देखिए कैसे चढ़ता है ये। चढ़ गया ये, तो वहाँ से गया इस पर। हाँ हाँ अच्छा लगा अच्छा लगा। तो वहाँ से गया इस पर और इससे आया खिड़की पर, और खिड़की से आप प्लानिंग है यहाँ टेबल पर आने का ना, बस खाली घूमते ही रहो इधर उधर। तो